हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। हमारी पूरी कुक एक्सपर्ट फैमिली, आप सभी कैसे हैं? एकदम गुड, फाइन है ना। आज है वेंसडे और शाम के 6:15 हो रहे हैं। शुभम अभी ट्यूशन से आया ही है और अब मैं शुरू कर रही हूँ रसोई का काम। तो आज मैं क्या बनाऊंगी? फ्रिज में रखी है गोभी, गोभी से बनाने वाली हूँ, जो कि गुप्ता जी सुबह आज बोल के गए थे कि आज रात में गोभी के पराठे बनाना। तो अब उसके साथ में मैं बनाऊंगी रायता, चटनी और क्या क्या काम होंगे। शुरू करती हूँ मैं अपना आज का रात का काम। रात की शूटिंग का काम अक्सर मैं इसी टाइम से शुरू करती हूँ। और कल मुझे किसी ने पूछा है कि शूटिंग के लिए आप तैयार होती हैं? हाँ, मैं मतलब यही जैसे शाम को है करना है तो हाथ मुंह धुलना, कंघी करना, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, सिंदूर, यही 3-4 मेकअप रहते हैं और कुछ ऐसा नहीं लगाती मैं। और बिंदी चलो लगी रहे पहले से भी, और काजल लगाना मेरी बहुत पुरानी आदत में है। और काजल कौन सा, दो तीन बार अलग बदल बदल के काजल ले लिए हैं, कुछ ऐसा नहीं कि वही वाला काजल ही चाहिए। और गोभी, अदरक, हरी मिर्ची, ये जो इलेक्ट्रिक चॉपर है इसमें मैंने अदरक और हरी मिर्ची डाली है। गोभी को खोल लिया है, पूरा टुकड़े कर लिए हैं छोटे छोटे, क्योंकि मैं इसको बारीक कर लूंगी। आज मैं एक पूरा कच्चा नहीं बनाऊंगी और पूरा पकाऊंगी भी नहीं, सिर्फ छौंक लगाने का इस्तेमाल करूंगी पराठे के लिए। तो पहले अदरक और हरी मिर्ची एकदम बारीक कर लिया है, एक प्लेट में निकाल लिया है। और इसके बाद जो मैंने गोभी साफ करी है अलग अलग टुकड़े करके, उनको डाल करके एकदम फाइन चॉप कर लिया है। और इस चॉपर में नीचे का जो पॉट है सिर्फ वही धुलना होता है, ऊपर की जो मशीन है वाइट पार्ट है जो भी मैंने साइड में रखा है उसमें सिर्फ एक प्लेट लगी है ऊपर की और वो निकल जाती है, बाकी मोटर वैसे की वैसी रहती है, मतलब उसको धुलना नहीं पड़ता। और इतनी बारीक हो गई है गोभी और अदरक हरी मिर्ची। और गोभी को मैंने इसी पॉट में ही रहने दिया है और ये सारी चीजें मैं एक छोटा हल्का सा छौंक लगा लूंगी। तो मैंने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई में सरसों का तेल डाला है सिर्फ 2 छोटी चम्मच जितना, 1 चम्मच जीरा डाला है और इसमें अदरक और हरी मिर्ची जो हमने पेस्ट बनाई है वो डाल दिया है। हल्का सा भून लिया है जैसे अदरक और हरी मिर्ची का छौंक लगाने के बाद। और इसमें मैं सूखे मसाले डाल रही हूँ, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। मसाले बिल्कुल हल्के ही डालने हैं ताकि गोभी का पूरा स्वाद आए, मसाला मसाला जैसा, पूरा सब्जी जैसा ना लगे। बस अब ये जो हमने मसाले डाले हैं इसके बाद 1 चम्मच अजवाइन डाली है। अजवाइन मुझे पहले ही डालनी थी, जिस वक्त मैंने जीरा डाला ना मुझे अजवाइन डालनी थी, भूल गई थी मैं। तो फिर अभी जब मसाला निबंध करने लगी तो याद आया तो इसी टाइम पे डाल दिया अजवाइन। अजवाइन का टेस्ट पराठों में बहुत अच्छा लगता है। और अब मैंने ये कच्ची गोभी जो चॉप की है ये डाल दिया है। बस सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए, जो भी हमने सूखे मसाले डाले हैं, और इसको हल्का सा पकाऊंगी मैं, ज्यादा नमक स्वाद के अनुसार डालना है। और नमक डालने के बाद तो फिर जल्दी से पक भी जाती है गोभी। बस ऐसे ही सारे जो मसाले हैं वो अच्छे से इसमें प्रॉपर मिक्स हो जाएं और नमक भी सब में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हल्की सी गोभी पक जाएगी। इस तरीके से किया है मैंने आज, क्योंकि अभी इसके एक दिन पहले मैंने कुछ दिन पहले वो बनाया था गोभी के पराठे, तब कच्ची गोभी पूरी जैसे अभी ग्रेट की ना वैसे ही फिल करी थी सारी चीजें मिक्स करके, उसमें गोभी ज्यादा कच्चापन महसूस हो रहा था इसलिए हल्का सा भूनने से। बस अब भी इसमें मैंने हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया है और धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया पूरी गोभी में, तो ये हमारा गोभी का मसाला तैयार हो गया। वैसे अगर सुबह में बने जैसे लंच टाइम पे तो दाल बनती है, तब दाल आलू गोभी की सब्जी बन जाती है, या फिर प्लेन पराठे और गोभी फ्राई पसंद करते हैं। तो आज उनका मन था खाने का तो सुबह बोले थे गुप्ता जी कि गोभी रखी है मीनू, तो गोभी के पराठे बना लेना रात में। और ये दूध आया तो मैंने उसको गैस पर चढ़ाया है गर्म करने के लिए। और अब मैं आगे चटनी बनाती हूँ। ये मैंने टमाटर निकाले हैं 3, तो टमाटर की मैं चटपटी वाली चटनी बना रही हूँ, तीखी हरे धनिए वाली। तो 3 टमाटर, 1 छोटा टुकड़ा अदरक का लूंगी, हरी मिर्ची और हरा धनिया। आप चाहें तो इसमें लहसुन डाल सकते हैं, अच्छा लगता है टेस्ट। और यहाँ पर हरा धनिया धो के और इसमें नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है और साथ में ये डाला है भुने जीरे और सौंफ वाला पाउडर, जो कि मैं पीस के रखती हूँ हमेशा। इसमें थोड़ी सी हींग भी मिक्स है इस पाउडर में,
तो ये थोड़ा सा भी डाल दिया तो चटनी में टेस्ट अच्छा आ जाता है। वैसे अब तो विंटर सीजन में पराठों के साथ गुड़ वाली खट्टी मीठी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। टमाटर, लेकिन देशी टमाटर, उनका टेस्ट अच्छा लगता है। तो ये हमारी चटनी तैयार हो गई है हरे धनिए वाली। ये अक्सर मैं पराठों के साथ बनाती हूँ, बस धनिया घर में ज़्यादा होना चाहिए। और ये अब चटनी साइड में किया है। और इस चटनी में अगर 2-3 बूंद नींबू के डाल दो ना, तो चटनी का कलर बहुत सुंदर आता है। आज मैंने डाला नहीं, रखा हुआ नींबू, फिर भी कई बार होता है ना, मन नहीं कर रहा अब उसको निकाल के डालने का। और ये मैंने खीरा, 3 खीरे फ्रिज से निकाल के रखे थे, उनको छील के और ऊपर नीचे का हिस्सा निकाल करके फिर मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। तो मैं बनाऊंगी खीरे का रायता। इस तरीके से रायता बनाने की, या कोशिंबीर बनाने से खीरा जल्दी ही समाप्त होता है। 3 खीरे लिए और छीला, कद्दूकस किया और इस डोंगे में लिया। अब इसमें मैं दही डाल रही हूँ, ये एकदम फ्रेश दही है, मतलब आज सुबह ही दही लगाई थी और अभी मैंने दही काटी, इसीलिए वो इतनी ढीली है। मैं दही जैसे जम जाती है ना तो फ्रिज में रखती हूँ, अगले दिन हम दही यूज़ करते हैं, लेकिन अभी इस बार दही नहीं था, पुराना, इसी वजह से ताज़ा दही डाला है तो वो ढीला है। और चीनी डाली है और पिंक सॉल्ट डाला है, भुने जीरे सौंफ वाला पाउडर भी डाला है। और ये हमारा बन जाएगा खीरे का रायता। ये इंस्टेंट बनने वाली चीज़ है, मतलब हमारे लिए। और इसमें धनिया पत्ता कटा हुआ डाला, और इसको और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए थोड़ा सा तड़का बना के डाल देते हैं। तो मैंने 1 चम्मच तेल गरम किया है तड़के पैन में, उसमें डाला है जीरा, थोड़ी सी हींग भी डालती हूँ मैं। और फिर जैसे ही हींग जीरे जैसे होता है ना कि हाँ उनका चटकना शुरू हुआ कि गैस बंद किया, थोड़ी सी लाल मिर्ची डालती हूँ, जरा सी, बिल्कुल जैसे छींटा मारा हो, जैसे हींग जितनी उतनी लाल मिर्ची। और वो तड़के को डाला रायते के ऊपर, तो ये देखने में भी सुंदर लगता है, हल्का सा जो लाल कलर आता है और टेस्ट आता है जीरे का और हींग की खुशबू। इसे मिक्स कर दिया तो हमारा रायता तैयार। खीरा ज़्यादा है, दही कम है, लेकिन वो अभी थोड़ी देर में खीरा और पानी छोड़ता है ना तो एकदम वैसे पतला वाला जैसे रायता होता है ना वैसा हो जाता है वो। क्या पराठे फिर सूखे सूखे नहीं लगते खाने में, ऐसे चम्मच से पीने में, खाने में रायता अच्छा लगता है। और अब मैंने आटा निकाला है, उसमें थोड़ा सा नमक डाला है, मोयन नहीं डाला है मैंने। आप चाहो तो जैसे स्टफ पराठे बनाते हैं तो बहुत से लोग थोड़ा सा तेल डाल लेते हैं या लगा लेते हैं बाद में, और बस पानी डाल करके आटा गूंथना। थोड़ा आटा ढीला रखती हूँ मैं, हल्का नरम जैसा, ताकि जब भी हम भरें पराठे तो अच्छे से बेलते बन जाए। अब मैंने यहाँ ढक करके साइड में रखा है। और देखो, हम लोग कम से कम 22 साल होने वाले हैं, 21-22 साल से हम लोग बाहर रह रहे थे, जब से शादी हुई, जॉब हुई, तो अम्मा पहली बार हम लोग के साथ रह रही हैं। तो 2-2.5 महीने करीब हो गए अम्मा को आए, तो मुझे कैसा लग रहा, मेरे पास तो बहुत सारी बातें होती है, आप तो जानते हैं, एक बार शुरू हो तो बहुत लंबा चौड़ा लगता है। लेकिन मैं सोच रही हूँ आज इन माँ बेटे से पूछते हैं कि इन लोगों को साथ में रह के कैसा लगा, क्योंकि देखो बच्चे पढ़ते हैं तो बाहर चले गए, फिर जॉब लग गई तो बच्चे बाहर रहते हैं, शादी हो गई, जॉब हो गई, दूर रह रहे हैं। तो उसके बाद जितना भी अम्मा ने इतने सालों अपना जीवन है तो अपने घर में अपने तरीके से, अपना घर में, अपने देश में रही, तो पहली बार उनके लिए अनुभव है कि इतने दिन साथ में रही लड़के के, प्लस अपना बहू नाती है और बाहर रह रही है महाराष्ट्र में। तो अब अम्मा को कैसा लगा साथ में रह करके, तो अम्मा बताएं और फिर गुप्ता जी बताएं, ठीक है? तो अब अम्मा बताएंगी कि अम्मा को यहाँ पर इनके साथ में, अब भैया के साथ में, क्योंकि दूर रहने में और एकदम साथ में रहने में अलग पड़ता है ना, तो आपको कैसा लगा? हमें साथ में अच्छा लगा। कोई माँ हो, बेटा बाहर हो तो उसे अच्छा थोड़ी ना लगेगा। सही बात, चाहे बाहर चले जाते हैं तो माँ का चित वहीं रहता है, मन उनका। इसलिए भाई लड़का जब पास में है तो भाई अच्छा तो लगेगा ही। हाँ। और क्या, वो अनुभव ही अलग होता है साथ में रहने का ना। और दूर रहना चाहे कितना भी कह लो, दूर दूर ही हो जाता है, चाहे पढ़ने जाए बच्चा, चाहे जॉब के लिए जाए, है ना, साथ में रहना। अब गुप्ता जी बताएं कि इनकी मनोकामना जो पूरी हुई है तो इन्हें कैसा लग रहा है ना। गुप्ता जी से भी जरा कैमरे में बात की जाए। काफी समय के बाद अम्मा हमारे साथ रही और इतने लंबे समय तक पहले कभी नहीं रही, उनके साथ रह के मतलब एक अपनापन लगा कि भाई अपने बड़े बुजुर्ग अपने साथ में है। और मुझे भी इस बात की चिंता नहीं रही कि वो वहां पर अकेले हैं, कैसे वो अकेले के लिए खाना बना रही होंगी या इतने बड़े घर में कैसे कर पा रही होंगी। मुझे मतलब ये कोई चिंता नहीं थी, आराम से मैं रह रहा था और साथ में
वो कोई त्योहार है तो वो भी इस बारे में भी बताती रहती। हम लोग की दिवाली दशहरा साथ में हुआ, हमें तो लग रहा है पहली बार हुआ होगा दशहरा दिवाली, है ना अम्मा? पहली बार होगी। हाँ पहली बार घर में नहीं, यहाँ पर साथ में, जैसे हम लोग त्योहार हमेशा अकेले करते हैं ना, तो यहाँ पहली बार साथ में आई है, तो मतलब आई पहली बार तो साथ में हुआ तो बहुत अलग सा लगा ना। हर त्योहार में कोई भी रहे तो अच्छा। एक बार हमारी दादी साथ थी जब 10 महीने, तब भी जितने भी तीज त्योहार पड़े तो ऐसा लगता था कि हाँ ये भी कोई तिथि है, ये भी कोई त्योहार है, कोई रहे तो पता चलता रहता है ना। इसलिए गुप्ता जी कम बोल पाते हैं ना, अम्मा अच्छे से बोल लेती हैं। मैं यहाँ पे खाना बना रही थी ना, काम कर रही थी, रोज का मेरा अपना फिक्स है कि अब मैं जब शुरू होती हूँ तो अपना यहाँ लगातार करती रहती हूँ, और ये ड्यूटी से आए तो इनका अपना थोड़ी देर तो पहले हाथ मुंह धोना नहाना धोना चलता है, इसके बाद जो उन्हें हल्का फुल्का खाना हुआ वो खा लिया और बैठे यही हॉल में, तो ये लोग बैठे बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे तो ये पूरा निपट गया है। मैं कहने वाली थी कि गरम गरम पराठे सेकूंगी तो खाते जाओ और मैं यहीं से यहीं पर रोसती जाऊंगी, तो बोले नहीं अभी नहीं मन कर रहा कुछ, ये लोग शाम को खा लें फिर लगता है इनको थोड़ी देर बाद खाएंगे तो बना के रख दो। तो मैंने कहा ठीक है, तो वही थोड़ी देर रुकी बैठी, तो मैंने कहा चलो इन लोग से बातें किया जाए, इसी बहाने गुप्ता जी कुछ बोले दो शब्द, अम्मा कुछ बोले। और क्या करें बताओ, है ना, बीच बीच में जैसे कह देती हूँ कुछ बोलना है बात करना है तो कहें, उनका नेचर तो वैसे भी कम ही बोलने का है ना गुप्ता जी का, तो इतना भी बोलिए तो बहुत हो गया उनके लिए। और बस मैं पराठे सेकती जा रही, और फिर ये था कि बार बार जब भी मैं पराठे सेकती हूँ ना, अब यही होगा पूरे जाड़े भर, मैं कहती रहूंगी कि मैं सेक रही हूँ तो खा लो भी गरम गरम, क्योंकि तवे से निकला हुआ पराठा और कैसरोल में रख दो पराठा फर्क रहता है, रोटी की बात और होती है, और पराठे मतलब मुझे पसंद है इसलिए मुझे ऐसा लगता है, मैं दूसरों को भी कहती रहती हूँ, पर ना ना कर रहे थे, बन गए पराठे, फिर बर्तन भी धुल गए जो थोड़े बहुत बहुत कम बर्तन थे, आज कुछ था ही नहीं, हो रहा था शॉर्टकट में बन जाता है कद्दूकस से ही, और चटनी ग्राइंडर जार में, और यहाँ पराठे सिक गए तो जैसे कुछ काम ही नहीं है, बना रखा है, अभी हमने बोला तो रुक जाओ थोड़ी देर से खाएंगे, वो लोग तो ऐसे घड़ी गिनते हैं मतलब टाइम से खाएंगे। तो हमने कहा ठीक है, ये नहीं कि आज जल्दी बन गया है तो भाई जल्दी खा लो, नहीं, फिर जब कहा है कि खाएंगे तब फिर प्लेट लगा रही हूँ मैं, चटनी रायता और पराठे, दही बिल्कुल खट्टी नहीं होगी, मुझे पहले से ही पता था परोसने से पहले, क्योंकि सुबह मैंने दही लगाई थी ना, ताजी ही है तो कुछ नुकसान नहीं करने वाले कि जैसे रात में खा रहे हैं या ठंडा, कुछ नहीं, तो बस अब प्लेट लग गई खा। विंटर्स में ज्यादातर यही होगा, जैसे मूली के पराठे, गोभी के पराठे, मेथी के पराठे, कोई भी ऐसी चीज जो बच्चे शौक से नहीं खा रहे हैं और सुबह से शाम तक वो चीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, सीधा पराठे, और इन लोगों का खाना खाने के बाद फिर हो गया है टाटा बाय बाय ये वाली क्लिप, और उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, शुभी से बात करी, आज मेरा काम पहले हो गया था, और शुभी मतलब मैंने खाना खा लिया आखिरी बस उठने ही वाली थी तब शुभी का कॉल आया, इससे मुझे पूरा अंदाजा हुआ कि आज मैं जल्दी निपट गई काम से, क्योंकि रोज थोड़ी देर हो जाती है जैसे दो चार और काम रहे तो, बस बर्तन रखे, हाथ पोछा, खाली खाली सा लगता है, फिर वो वागले, आज तो वागले का इंतजार करना पड़ा कि कब आएगा, क्योंकि आज मेरा खाना पहले हो गया था, वागले बाद में आया, तो तारक मेहता चल रहा था जब मैं खाना खा रही थी आज। कल फिर मिलते हैं हम लोग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।